अभी शिखर जाते हुए रास्ते में हम रुके, ये ओपन मैदान है सामने, आई डोंट नो कि कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है या नहीं, लेकिन सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो अभी हम सरफंगा की तरफ एक्चुअली चलते हैं और वहाँ पे जाके जो ना आपको ब्यूटी दिखाएं। अब ये देख सकते हैं कितना हसीन मौसम है, क्या खूबसूरत व्यू। तो चले चलते हैं। पहले जो थे ना लोग यहाँ पे रोड साइड पर ही गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो जितने व्यू था ना वो सारा खराब हो गया था। अब इन्होंने जो है ना इधर कर दी है, अच्छी चीज़ है। सो अभी रैली वगैरह यहाँ पे चल रही है, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, वो हमारे कुछ बाइक्स वगैरह हैं उनकी जो खड़ी है। रेगिस्तान में सारा सारा सहरा है, यहाँ पे आप आके अपनी गाड़ी का रेंट पे भी लेके टिकट्स लेके चला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सामने क्लाउड, जून में जब मैं लास्ट ईयर आया हूँ तो काफ़ी जो थी ना गर्मी थी। अभी ये देखिए आप यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट इस पेस पर रहते हैं, यहाँ पे मिट्टी का कलर चेंज है, यहाँ पे गर्मी नहीं। कुछ हम चलते हैं कॉर्ड वगैरह देखते हैं। जीप रैली भी यहाँ पे होती है, पाक व्हील्स वाले भी यहाँ पे कॉल डेजर्ट में इन्होंने जीप रैली करवाई है और कमाल यहाँ पे फन होता है। पैराग्लाइडिंग के लिए सीन होने लगा, वो देखिए जी ये जा रहे हैं, वो क्यों बॉयज जीप पे जाने लगे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के अंदर एक ट्रैक लगाएंगे, ट्रैक्स यहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे जीप पकाएंगे। वो आप देख सकते हैं
वी हैव सम माउंटेन बाइक्स जो कि काफ़ी खूबसूरत है। चार्जेस क्या है इसके? 8,000। और ये कितनी देर की वो करवाते हैं? क्वाइट एक्सपेंसिव 8,000, जिसमें ये आपको जो डेजर्ट का है वो एक चक्कर लगवाएंगे। आई थिंक क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन जी शो का कोई मोल नहीं है, ये जीप है। पार्टीज ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो यहाँ पे रैलीज को जो है मुनक़िद करवाई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ट्रेंड पैदा हुआ है, और यहाँ पे एक कह लें कि आप रोज़गार का भी सिलसिला चल के लोगों ने एक यहाँ पे ये बाइक्स को और जीप रैली या जीप ट्रैक के जो चीज़ें वो करवाना शुरू की हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, क्या वो पूरे एक डेजर्ट का राउंड लगवाएगा ये, ऊपर से क्या कमाल व्यू आता होगा ये देखने के लिए आपको 8,000 रुपया लगाना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और लास्ट ईयर मैं इतनी देर नहीं रुका था क्योंकि अगस्त था, और अगस्त में जो है ना यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। शायद हमें जो है ना यहाँ पे तब रश भी था लोगों का, इस वजह से भी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उस ज़ाहिर है डेजर्ट का थोड़ा बहुत असर तो होता है गर्मी लग रही थी। अब ये है कि मौसम काफ़ी प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे जो है मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहा है। बॉयज का सीन होना है यहाँ पे काफ़ी, जो फैमिली तो बॉयज ज़्यादा आए हुए हैं। ये देखें जी ट्रेनिंग, वो कर गया लैंड। ये हॉर्स राइडिंग भी है, अगर आप अर्थ रूल की तरह कुछ फील लेनी है तो आप इस हॉर्स पर बैठ के अर्थ रूल कर सकते हैं। ये जंग पे जा रहे हैं, अनातोलिया का जो है फतह कर रहे हैं। ये बाइक्स इंशाल्लाह अब अगर ये तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बाइक पे बाइक पर देखना है, मज़ा आएगा। अब मैं बाबे शिखर, ये बाबे शिखर है जी, यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह पर पानी बचाओ आदत बनाओ। अच्छा ये रोड जो है ना सीधा ये जाती है शिगर, शिगर वैली और शिगर फोर्ट, और देन ये आगे जो है केटू की तरफ भी जाती है। बेसिकली शिगर जो है लैंड ऑफ केटू भी, इसको जैसे पीछे लिखा भी हुआ था, केटू यहाँ से बहुत दूर है लेकिन यही जाता है। केटू को देखने के लिए लोग केटू के पास जाते हैं, नंगा पर्वत को देखने के लिए दूर से भी देखा जा सकता है, आप कैसे भी जो है देख सकते हैं। खूबसूरत, मैं ऐसा मौसम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये तो एक हमारी गुड लक है कि आज सनी डे है, इसलिए हमें इस तरह का जो है ना सीन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज तो मोबाइल जो फोरकास्ट है वो हमें आज बारिश ही बता रही थी। ये मैं बाबे शिखर के नीचे खड़ा हूँ और
ये बाबे शिखर के बोथ साइड्स का व्यू। अभी जी चलते हैं जी आगे शिखर को चलते हैं और देखते हैं। ये बॉयज़ कुछ बाइक्स पे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लोकल ही है यहाँ के, इसी तरह जो है ना बाइक पर हम लोग भी कभी आएंगे इंशाल्लाह। वो तैयारी कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए।